ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। जैन धर्म के तीर्थंकर श्री 1008 शांतिनाथ भगवान का जन्म तप एवं मोक्ष कल्याण दिवस आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धार्मिक रीतियों के अनुरूप धूमधाम पूर्वक श्रद्धालुओं द्वारा मनाया गया। श्री पारसनाथ धर्म प्रभावना कमेटी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ी हुई थी। प्रथम महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य दीपक जैन, राहुल जैन तो शांति धारा करने का सौभाग्य वंश जैन को प्राप्त हुआ। 16 दीपकों के साथ अरुण जैन व शशि जैन ने आरती की। जन्म कल्याण का श्रीफल श्रीमती सरिता जैन तो तप कल्याण का श्रीफल रजत जैन ने समर्पित किया। वही रविंदर जैन ने कूपन द्वारा मोक्षक लड्डू श्री जी के चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य हासिल किया। श्री जैन समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन ने सभी को प्रभु श्री जी के जन्म तप एवं मोक्ष कल्याणक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें तीन कल्याणक एक साथ मनाने का अवसर मिला है। समस्याएं सभी के जीवन में होती हैं, उन समस्याओं का निदान भी यही है, बस आवश्यकता है धैर्य की, जैसा कि हमारे श्री जी ने भी अपने प्रवचनों में कहा है। श्री जैन ने सभी बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि प्रभु श्री से वो प्रार्थना करेंगे कि सभी बच्चे अपने जीवन के सभी सपनों को साकार करते हुए उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर हो। इस अवसर पर प्रभु श्री जी की रसोई, नेत्रहीन विद्यालय, पुष्पाश्रम, मानव मंदिर और रेलवे स्टेशन पर भी भोजन का वितरण किया गया। वहीं महिला पंचांग समिति द्वारा प्रभु श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन पर आधारित 10 सवालों का सही जवाब देने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान श्री पारसनाथ धर्म कमेटी द्वारा 10वीं एवं 12वीं में 96% और उससे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर उनका हौसला अफजाई की। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत।